अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज हम बात करने वाले हैं गुर्रे उस्मान सीजन 5 की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों वो दो किरदार कौन से होंगे जिनका अभी तक इंकशाफ नहीं हुआ, उन किरदारों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा। नाज़रीन आज हम बात करने वाले हैं उन दो किरदारों के बारे में जिनका अभी तक इंकशाफ नहीं, वो किरदार उस्ताद केरिये का और उस्ताद फैसल का होगा। इनका बहुत जल्द इंकशाफ होने वाला है, इसके बारे में हम आपको फुल वीडियो के साथ जल्दी से बताते हैं। नाज़रीन हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस्ताद केरिये के बारे में जिसका बहुत जल्द राज इंकशाफ होने वाला है, वो कुछ एपिसोड में होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाज़रीन आपने कुल्लू उस्मान सीजन 5 के 138 एपिसोड के अंदर देखा था कि उस्मान बे पेंदर बे को कहता है कि आपने इसका राज इंकशाफ करना है, और आपने ये भी देखा होगा कि किस्त नंबर 138 में पेंदर बे उस्ताद केरिये के कमरे में दाखिल होता है, उसकी तलाशी भी लेता है और देखता है कि सोना काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेंदर बे का शक इस पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने खुफिया तरीके से सोना मौजूद जो था वो कमरे के अंदर छुपाया हुआ था। जहां तक हमारा कहना है कि बेंदर बे ने इस पे दो बार छापा मारा मगर अपने मिशन में कंप्लीट ना हो सका, शायद अगले एपिसोड के अंदर इसका राज इंकशाफ हो जाएगा। तो नाज़रीन में इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी जवाब दीजिएगा। नाज़रीन अब बात करने वाले हैं उस्ताद फैसल के बारे में। उस्ताद फैसल का बहुत जल्द इंकशाफ होने वाला है, इसका इंकशाफ कौन करेगा इसके बारे में बताता चलो। ताजिर फैसल ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसमें बेंदर बे भी फंसा है और बहुत से मजलूम लोग भी फंसे हैं। इस बात से ये जाहिर होता है तो रहान बे या अलाउद्दीन बे इसका राज इंकशाफ करेगा। अलाउद्दीन ने इस पर दो बार छापा मारा था मगर ये उस बार बच गया था। हो सकता है कि अगली बार इसकी गर्दन उस्मान बे की तलवार के नीचे होगी। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी जवाब दीजिएगा। और नाज़रीन इकराम आज की वीडियो इतनी ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।